सदा जीउंदे जगते नेक जिहड़े इंसान सोभा सुथरे करम दी करदा सदा जहान। ओए अमरजीत सियाने कियां अमर जगते रहना माड़े बंदे कोल ना चंगे लोकी बहना। परम सत्कार जो गुरु सवारे खालसा जी आओ फतेह दा नारा बुलंद करी आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा प्रोग्राम KASS स्टूडियो दी तरफों आप जी दे सन्मुख पेश कीता जा रहा है। याद रखो खालसा जी अज दे दीवान अंदर मेरा साथ दे रहा है भाई मनप्रीत सिंह सैदो। दूजे साथी दूर होण दे कारण रोजाना आउण जाण विच आप जान दे हो अज दे दिनां विच बहुत मुश्किलां ने, इस करके जिहड़ा रिकॉर्डिंग दा काम है उहदे विच मनप्रीत सिंह सैदो मेरा साथ दे रहा है। पिछले दिनी संत राम उदासी उन्हां दी जीवन दी बाबत और उन्हां दीआं मकबूल रचनावां मैं आप जी दे नाल सांझियां कीतियां सन। कैसट दा नाम सी क्रांतिकारी कवि संत राम उदासी दीआं इनकलाबी रचनावां। एक उहदा मैं दूजा पाठ तैयार कीता जिहदा नाम सी उदासी दे अणगौले गीत। भाव ओह चीज़ां संत राम उदासी दीआं जिहड़ियां अज तक सामने ना आ सकियां उन्हां नूं वी तुहाडी नज़र करन दा यतन कीता है। दोस्तो साडे विच जिहड़े लोक अज शरीर करके नहीं जिन्हां दी कला बहुत महान सी मैं कोशिश कर रहा हाँ आप जी दे सामने उन्हां महान लोगों की गल की जाए। अज एक बहुत वड्डे गुणी महान विद्वान और महान लिखारी हुए ने साधु दया सिंह जी आप साहब जलालाबाद पूर्वी। जदों आपां जाने हाँ मखू तो ईसे खां दे कोट ते अगे लुधियाणे नूं जाण लई भिंडर कलां वाले रस्ते निकलदे हाँ कोकरी कलां वाली सैड नूं, उस सैड नूं जांदिआं रस्ते विच नगर जलालाबाद पूर्वी आउंदा है। ये पिंड सी साधु दया सिंह आरफ दा। जिन्नी कु समगरी मैनूं उहदे जीवन दे मुतलक लभे मैं कोशिश करांगा आउण वाले समें विच उहनूं आप जी दी नज़र कीता जाए। अज मैं उहनां दा सिरजिआ होइआ एक पुराना ग्रंथ एक महान ग्रंथ जिहनूं उहनां ने नाम दित्ता सी जिंदगी विलास। फना दा मुकाम जिंदगी विलास वर्गे महान ग्रंथां दा करता होया है महान लखारी साधु दया सिंह जी आरफ। मैं सजदा करदा हाँ उन्होंने एक ग्रंथ लिखिया है जिहदा नाम है जिंदगी बिलास। उन्होंने मनुखी जीवन की तस्वीर उहदे अंदर खिंची है। जन्म तो लैके इंसानी जामे अंदर मनुख विचरदा है और मौत तक दा उहदा सफर जो संसार विच रह के हर जन्म लैण वाला मनुख करदा है उन्हूं उन्होंने बड़ी तरतीब दे नाल बैंत लिख लिख के उजागर करन दा यतन कीता है। वो एक साल तो शुरू करदे है और 100 साल दा जीवन वो एक मनुख दा लिखदे है। वो गल्लां उहदी खोज उहदी कविता जदों सुनी दी है जां पढ़ी दी है इंज प्रतीत हुंदा है हर बंदे नूं जिवें साधु दया सिंह आरफ ने अपने नहीं साडे जीवन उत्ते लिखिया होवे। पहले साल तो लैके 100 साल तक भाव 100 बैंत उहदा जिंदगी बिलास ग्रंथ दे विच दर्ज है और मैं कोशिश करनी है उहदे बैंतां विच्चों कुछ खास चीज़ां आप जी दे नाल सांझियां करां। आओ मनुखी जिंदगी दा पहला साल जदों एक साल दा मनुख भाव जन्म लैण तो बाद जिहड़ा उहदा साल शुरू हो जांदा है मुढ़ला पहला साल उहदे विच दया सिंह आरफ दा मनुखे जीवन दे बारे अनुभव की है। आओ तवज्जो फरमाउण दा यतन करना इउं बेनती कीती जा रही है जी। पहले साल प्यारिया जम्मिया तू पहले साल प्यारिया जम्मिया तू देख माँ दे सिकमती बार आया जन्म स्वाब दे नाल लबा बन
समझ तू तार अवतार आया। ओ नाल हुक्म करतार दे जन्म पाया, नाल हुक्म करतार दे जन्म पाया, वेखण वास्ते शहर बाजार आया। कदम जहान दे बाग अंदर वेखना, वास्ते शहर गुलजार आया। वेखना वास्ते शहर गुलजार आया। वास्ते नौकरा नौकरी ओए, तू तां होए के करो तैयार आया। इत्थे आण के बात वसार दित्ती करन, सच दे कोल इकरार आया करन, सच दे कोल इकरार आया। ओ इत्थे आन के वैर सहेड़ बैठो करन, वास्ते सरब प्यार आया करन, वास्ते सरब प्यार आया। सार बैठो इत्थे आन के दिलों वसार बैठो, कारे वास्ते विच संसार आया, कारे वास्ते विच संसार आया। ओ इत्थे आन के सखत मजाज होया, इत्थे आन के सखत मजाज होया करन, वास्ते नरम गुफतार आया। बस बंदिया बंदगी छड़ बैठो करन, वास्ते याद करतार आया करन, वास्ते याद करतार आया। ओ इत्थे झूठ दे कसब खरीद बैठो करन, वास्ते सच दी कार आया करन, वास्ते सच दी कार आया। सिंह खरीदिया कौडिया नू खटन, वास्ते लाल जवार आया खटन, वास्ते लाल जवार आया। दोस्तों जिंदगी बिलास ग्रंथ दे अंदर मनुखे जीवन दे 100 सालां दा चित्रण पेश कीता है महान लिखारी साधु दया सिंह जी आरू साहब ने। मैं गल पहले साल दी कीती है, अगर जे 100 दे 100 साल दा मैं जिक्र करना होवे बड़े लंबे समय दी जरूरत पवेगी, इसलिए मैं कुछ नमूने उहदे उस ग्रंथ विच्चों सुआब नाल तुहाडे सामने पेश करने चाहुंदा है, तां कि सानूं पता लगे वह किड्डा वड्डा विद्वान सी, किड्डा वड्डा उहदा जिंदगी दा तजर्बा और किड्डी वड्डी किरत उहने आवाम दी झोली विच पाउण दा यतन कीता। इह ग्रंथ अपनी कलम दे नाल अंकित करके जिहड़े भी सज्जण अज दा प्रोग्राम सरवण कर रहे ने, मैं उहनां नूं बेनती करदा हां ऐसे महान लोगां दी किरत नूं कदे ना विसारियो, दिलां विच थां दिओ।
मैं लगभग 2 बार उदा ग्रंथ है जिंदगी बिलास अपने जीवन विच वाचिया पढ़िया बहुत कुछ उहदे विचों प्राप्त होया। आओ आपां पहला गल कीती है पहले साल दे मुढ़ले साल दे हुण दया सिंह आरफ दी किरत विचों मैं मनुखे जीवन दे 16वें साल दी गल करन लगा हाँ। आओ तकन दा जतन करिए की लिखदा है साधु दया सिंह आरफ श्रोमणी कवीशर अमरजीत सिंह सवरा साथी मनप्रीत सिंह सैदू इंज पेश करदे है। होई उमर जा 16वें साल दिए मुंह ते लगियां आण जवानियां ई मुंह ते लगियां आण जवानियां ई फुटियां रंग ने चमक मारी जोबन कीतियां यार निशानियां ई जोबन कीतियां यार निशानियां ई कचरी अख नाल वेखना शुरू कीता बदला चलियां दे बुरवानियां ई बदला चलियां दे बुरवानियां ई सुहावंदे शाब छले हथा विच सुहावंदे शाब छले पौन लगे आगाच गानियां ई पौन लगे आगाच गानियां ई सच्चे रब तो अखियां मीट लईयां देखे भज के दीवियां मानियां ई देखे भज के दीवियां मानियां ई भुलिया नाम परमात्मा दा परमात्मा दा दिलों भुलिया नाम परमात्मा दा पढ़न लगे आ खोटियां बाणियां ई पढ़न लगे आ खोटियां बाणियां ई चंगा काम ना दिल नू पावदा ए पावदा ए पावदा ए चंगा काम ना चेतन पावदा ए देखो लगिया करना वरानियां ई देखो लगिया करना वरानियां ई ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਦਾਈ ਤੱਕਦਾ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖ ਬਗਾਨੀਆਂ ਈ ਤੱਕਦਾ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖ ਬਗਾਨੀਆਂ ਈ ਸਿੱਧਾ ਝਾਕਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਝਾਕਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਨਾਨੀਆਂ ਈ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਨਾਨੀਆਂ ਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਬਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫੇਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫੇਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਈ ਓਏ ਆਵੇ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਓਏ ਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵੇ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਦਿਲ ਬੁਰਾ ਜਾਨੀਆਂ ਈ ਦਿਲ ਮੋਇਆ ਏ ਦਿਲ ਬੁਰਾ ਜਾਨੀਆਂ ਈ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਵਧੀ ਹੈਂਕੜ ਤੇ ਖੁਦੀ ਗਮਾਨੀਆਂ ਈ ਵਧੀ ਹੈਂਕੜ ਤੇ ਖੁਦੀ ਗਮਾਨੀਆਂ ਈ ਆਓ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਰਫ ਦੀ 16ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਰ ਬੈਂਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਰਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਓਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਗੂਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਸਾਧੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਰਫ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਠੋਤਰੀ ਪਕੜ ਵਾਲਾ ਰੁੱਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮਿੱਤਰੋ 16ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ 21ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
और वेने हाँ साधु दया सिंह आरफ का तजर्बा इतने की कहता है, 16 साल तो बाद 21 साल तक पहुँच गया मनुखी हंकार इन्ना क हुलारा दे दिंदा है बंदे नू, बंदा अपने आप नू रब समझन लग पैंदा है, उन्हां मां प्यो की परवाह करता है, बाद फैलियां विच गलतान होके सच्चे मार्ग नालों टुट के 21 साल की उम्र पुराणी की करता है, की कहिंदा है साधु दया सिंह आरफ, तवज्जो देण दा जतन करना जी। 21 साल इंसान की उम्र होई सिर ते हुसन सुलखन आउण लगा, जदों आन जवान दी मोश फुटी उसे वक्त शकीनियां लाउण लगा। लिया नाम परमात्मा दा नाल खुशी दे काफियां गाउण लगा, सूरत अपनी वेखदा विच शीशे सुरमा खूब सवार के पाउण लगा। जिवें सिखर दुपहर दे वक्त लोको सूरज अपना तेज विखाउण लगा, बूटा अंब दा जिस तरह फलन वेले बूटा अंब दा जिस तरह फलन वेले मौसम चेत दे रंग वटाउण लगा। जानी सुचियां जागटां पाउण लगा, दारू कंजरी मास शराब पीवे खट्टी बाप दी मर्द लटाउण लगा। ओ बली काम बलकार दे विच आया कोठे मुल्क जहान दे ठाउण लगा, चिट्टे कपड़े थान पसंद नहीं दुध काशनी रंग रंगाउण लगा। चार रोज है चाम दे दाम लोको हे मुंह माणिए वांग चलाउण लगा, याद नहीं अकीर नू खफन मिलसी बाणे कंजरी वांग लगाउण लगा। ओ विच आण के खुदी हंकार वड़िया, विच आण के खुदी हंकार वड़िया, हथी पकड़ के डांग डराउण लगा, दिल दे विच करोदने वास कीता माड़ा दे गरीबा नू टाउण लगा। करके रोज मन फैलियां जरदगा दी ओए, करके रोज बद फैलियां जर्द गाजी, दौलत खाक दे वेच लटाउण लगा, नहीं किसे दी चाल पसंद करदा नाल मड़क दे कदम उठाउण लगा। दिलों पुलिया खौफ परमात्मा दा नूहां बेटियां देख तकाउण लगा, मार मार के चोरियां तारियां नू चोरियां तारियां नू देखो सूरमा मर्द कहाउण लगा। नेक चलनिया छंड बंद चलन होया, माऊं बाप नू रोज सताउण लगा, देखो आण शिकार दा शौक लगा, पापी जंगली जीव सताउण लगा। ओ बद्दा कोट के लक बद फैलियां ते वड्डा बाप दा नाम कराउण लगा, कम्मा खोटियां विच गलतान होया सच्चे रब नू दिलों पलाउण लगा। विच गवा के जुआ वस्ताई ओए हो, ऐबा विच गवा के जुआ वस्ता बुढ़ा होए के फिर पछताउण लगा, दया सिंह अठोतरी पकड़ माला रुसे रब नू फेर मनाउण लगा, रुसे रब नू फेर मनाउण लगा। सत्कारयोग खालसा जी, साधु दया सिंह आरफ जलालाबादी ने जिंदगी दी हकीकत नू बड़ा नेड़ियों हो के महसूस कीता है। मनुखे जीवन विच जन्म तो लैके मौत तक जो कुछ वापरदा है इन बिन दया सिंह आरफ दी कलम ने जिंदगी बिलास ग्रंथ दे अंदर अंकित कीता है। कुछ बुद्धिजीवी ते महान लोग जिहड़े इस गल नाल सरोकार लिखते हैं कि असा चंगा लिखण वालियां नू पढ़ना है और चंगे गुण ग्रहण करने है, कोई शिक्षा लैनी है, केवल गिनती दे ओ लोग जिहड़े पुरातन पुस्तकां नू पढ़न दी रुचि रखते हैं शायद उन्होंने तो साधु दया सिंह आरफ के बारे पढ़िया होगा, पर साड़ी अज की नौजवान पीढ़ी उस महान लिखारी के बारे
रती भरवी वाकवियत नहीं रखते। सो मैं कोशिश कर रहा हाँ संत राम उदासी दे मगरों साधु दया सिंह आर्फ वर्गियां रूहां जां होर लोग जिहड़े आ शरीर करके साडे विच नहीं पर उन्हां दी कला किसी ना किसी रूप विच साडे कोले मौजूद है, मैं उन्हूं उजागर करदा रहांगा। आओ आपां गल कर लगे हाँ 43वें साल दे मनुख जन्म तो बाद जदों 43वें साल विच प्रवेश करता है। आओ तुहाडा अमरजीत सिंह समरावां पेश कर रहा है, साथ दे रहा है साडा फरजंदा मनप्रीत सिंह सैदों, इउं बेनती की जा रही है। चली उम्र 43वें साल दी है तमाम मारियो करो ख्याल कोई तिन्ने नुक्तियों तमाम दे हरफ खाली सिटे तोड़ के हिरस जंजाल कोई रब ने दमां दी रास लम्मी उठो जल्द खरीद लो माल कोई भांडा इस कलबूत दा जिन्ने कड़िया लवो उस कमियार नू पाल कोई दुनिया जान शतरंज दी खेल झूठी कौडी छड खरीद लो लाल कोई देवन हार दा तार करतार बैठा मंगन वाले ओ करो सवाल कोई वाला कालिया नाल जो बिगड़ गई है अजे रख लो तौलिया नाल कोई अज गया ना कल नू हाथ आवे अगला ना अड़ीकी ओ साल कोई सुबह शाम शैतान प्यावार करदा है सुबह शाम शैतान प्या वार करदा है पकड़ो हाथ मान दी टाल कोई दौलत दमा दी जमा कलबूत अंदर मता आप नू कहे कंगाल कोई वस्त्र खरीदनी खरीदारो पकड़े शौक नाल गुरु दलाल कोई दिता कास नू योर कुर्बानिया दे करे अपना जिगर लाल कोई ओ चारे मंजिला ताल बों खता करके होवे इश्क दे विच कमाल कोई तिलकन बाजियो तिलकन हार वेड़ा रखे फर्श पर कदमा संभाल कोई इश्क तलवार दी तार तिखी चले वांग मनसूर दे चाल कोई माया मंगनी कानू जवाल वाली दौलत मंग ले लाजवाल कोई ओ ढूंढ गुरु कोई सच्चा परानिया वे जीदे पेश हो कर सवाल कोई दया सिंगा फिर इश्क दी सेज उत्ते वासल हक दे हक नाल कोई मनुखे जीवन दी खेड़ नू पेश करदा है दया सिंह आरफ। ओ बड़ा प्यारा लिखदा है, ओ कहिंदा तेरी उम्र है गाफला चली जांदी मौसम सौन दे समझ दरिया जैसे तेरी उम्र है गाफला चली जांदी भज्जे जाम दे मेहर दे मां जैसे तेरी उम्र है गाफला चली जांदी जांदा उड्डिया हंस हमां जैसे तेरी उम्र है गाफला तुरी जांदी बेड़ी तोड़दा मर्द मला जैसे तेरी उम्र है गाफला चली जांदी जांदा नदी दा तेज प्रवाह जैसे तेरी उम्र है गाफला चली जांदी उड जाम दी खाक सवाह जैसे तेरी उम्र है गाफला चली जांदी जांदे हाजरी वक्त गवाह जैसे तेरी उम्र है गाफला चली जांदी रेल छड़ दी चाड़ के ता जैसे दया सिंह प्यारिया उम्र जांदी जांदी जमा दे नाल रवा जैसे। आओ दया सिंह आरफ मनुखे जीवन दी गल करदा करदा 53वें साल वे जांदा है की कहिंदा साधु दया सिंह आरफ इत्थे उहदे अनुभव नूं महसूस करिए, इउं बेनती की जा रही है। ओ चली उम्र 53वें साल दी है
तुरके आ गया लंबड़ा बंद बंदे रज्जिया विशेव कार वल्लों उखड़ गए ने मुख क्यों दंद बंदे सारी उम्र ते पिटिया तंद बंदे अजे कलबूत दे कपड़े नू सारी उम्र ते मिदिया गंद बंदे जान बर्बाद कीती डिगा लख दा पल्लियों नोट जानी आखिरकार सराफ ने परखनी है तेरे दिल दे अंदर दी खोट जानी झूठे धंधिया वास्ते शेर बनियो बन छड़िया कमर लंगोट जानी रिया खेड़ दा झूठिया पासिया नू चली किते ना धर्म दी गोट जानी तू ता समझ लै काल दा है खाना नर्म कूला शरीर दा बोट जानी रिदे विच तै रता ना नाम रविया
ज्ञान छड़िया सखना कोट जानी लुटी जामदा नवस बदकार तेनू कीती एस ने नहीं रिपोर्ट जानी पाटा कपड़ा कदे ना दान कीता छड़े पैन पतलून दे कोट जानी खाली मोड़दा रोज सवालियां नू घर विच किसे ना चीज दी तोड़ जानी रिया पूजदा देवियां देवतियां नू तक्की कदे ना दिल तों ओड़ जानी दया सिंह ना रब नू मन्याई दित्ते सखी सुल्तान नू रोट जानी एवें इतनी उम्र बर्बाद कीती की कुछ कीमती लाल दा वटिया तू रिया मुख दे नाल बकवास करदा कदी राम दा नाम ना रटिया तू चढ़ के बह गया शिखर समेर बंदे किसे रोज नू जावना सटिया तू मिर्गा सबज अंगूरियां फिरे चढ़दा किसे रोज नू जावना फटिया तू तैनू पीस के खूब सीमेंट करना होवे नरम ना करड़िया वटिया तू चंदन बिरख इंसान खुशबू वाला किसे रोज नू जावना पटिया तू दया सिंह ना मरन दा खौफ तैनू मौरा जान के मूर्खा चटिया तू दया सिंह आरफ 76वें साल दी गल करदा है मनुखे करदार नू चित्रदा चित्रदा ओ लग पग बंदे दे जीवन उत्ते 100 बैंत लिखदा है आओ दया सिंह आरफ दे अनुसार जदों इंसान 76 सालां दा हो जांदा है उत्थे दया सिंह ने अपनी कलम दे नाल की प्रगट कीता है तवज्जो फरमाउण दा जतन करो इउं बेनती कीती जा रही है जी गई उम्र 76वें साल दी है कई गुजरिया हाड़ियां सोनियां कर लिया भजन परमात्मा दा खोटे काम नू कीतियां तौनियां करदा आया पियू जाड़िया खेत जट्टा करदा रेहा बेगनिया चंगा बदिया कीतिया दूनिया चौनिया सोच विचार के वेख बंदे चल दे सास ज्यो चरखड़िया पाणिया खड़ी अखीर दी कड़ी तेरी कदी मौत ने देनिया पाणिया आखर वाहेगुरु जी की फतेह।